एक फिल्म को लेकर ऑडियंस की ओपिनियन समय के साथ इतनी ज़्यादा बदल सकती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1973 की विकर मैन एक कल्ट हॉरर मूवी है और आजकल क्लासिक्स में गिनी जाती है। इस मूवी की कहानी में एक पुलिस वाले को एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट की तहकीकात करने पुलिस वाला उस आइलैंड पर जाता है जहां से रिपोर्ट आई थी। वहां जाकर से पता चलता है कि वहां पे पेगनिज्म बहुत स्प्रेड है, यानी कि दूसरे भगवानों की पूजा होती है क्रिश्चियनिटी की जगह, और कई सारी अनक्रिश्चियन चीजें भी होती हैं, जैसे कि सड़क पे घूम रहे नंगे लोग, सड़क पे खुले में सेक्स और भी कई सारे एगनिस्टिक रिचुअल्स। इस फिल्म की एंडिंग बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, और भले ही उस एंडिंग ने 1973 के ऑडियंस की गांठ फाड़ दी हो, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो ऑलमोस्ट कॉमेडिक लगती है। तो फिर इस मूवी को देखने का पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इसका क्लासिक होना, और दूसरा पॉइंट है यही इस मूवी का चेंज इन पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडियंस, ये एक्सपीरियंस करना कि जिन चीजों ने 1973 की ऑडियंस और इस मूवी के मेन कैरेक्टर का दिल दहला दिया था, वो चीजें कैसे आज के जमाने में ना ही सिर्फ एक्सेप्टेबल हैं बल्कि डिजायरेबल बन चुकी है। इस हद तक कि इस फिल्म का हीरो आज के जमाने में ऑलमोस्ट विलन जैसी हरकतें करता है और ज्यादा खुली सोच वाले लोगों को फ्लॉड ईसाई मेटाफिजिक्स का ज्ञान देता है। और इससे भी ज्यादा बड़ा पॉइंट इस मूवी को देखने का है एंजॉयमेंट। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग क्रेडिट्स खत्म होते ही अपनी मिस्ट्री की वजह से मुझे तो पकड़ लिया था, और साथ ही में इसके अजीबोगरीब गाने और विजुअल्स देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और प्रेडिक्टेबल सी एंडिंग को छोड़ के बाकी पूरी मूवी मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगी और मैंने उसकी मिस्ट्री को बहुत एंजॉय भी किया। द विकर मैन के बाद अगर और ज्यादा मिस्ट्री से भरी हुई गजब एंडिंग वाली मूवी देखने का मन करे तो गो वॉच ब्लो आउट।